हेलो डॉक्टर। हेलो, सब ठीक है आज? अभी तक तो सब ठीक ही है। आज तो कोई फोन नहीं आया? नहीं, सब फोन पर कॉलर आईडी लगा दिए गए हैं और जितने भी फोन आएंगे सबकी टेप रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। क्या बात है? आपका पास। अरे यार, हर रोज मेरा पास मांगते हो, जबकि तुम जानते हो कि चंद्रेश के पास एक ही डॉक्टर जाता है और वो मैं हूँ। मैं चंद्रेश का 10 साल से फैमिली डॉक्टर हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने तैयारी शुरू कर दी। नमस्ते चंद्रेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। डॉक्टर, डॉक्टर रात भर इनके छाते में बहुत दर्द रहा है, ये एक मिनट भी सो नहीं सके हैं। देखिए देखिए कितना दर्द है। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए, बहुत दर्द है। चंद्रेश जी, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपके एक्सरे की रिपोर्ट एकदम साफ निकली है। एक तो इनकी तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से ये फोन आ रहे हैं। पता नहीं ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़ गए। इस देश में तो जैसे पैसा कमाना भी गुनाह हो गया है। नमस्ते सर। पुलिस आपको गार्ड कर रही है ना? बाहर सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि हम जैसे लोगों का भी अंदर आना मुश्किल हो गया है। इंजेक्शन तैयार। ओके, मैं लगाता हूँ, ये ले। मैं ये लाइट ऑन कर देती हूँ। ये हो कैसे गया? तुम लोगों को देखना चाहिए था, तुम लोगों के रहते अंदर बॉम्ब फट गया। मैं भी इन लोगों से यही पूछ रहा हूं सर कि ये हो कैसे गया, इतना बड़ा बॉम्ब अंदर गया कैसे? लगता है ये बॉम्ब घर में बना हुआ था, नहीं तो और भी बहुत नुकसान हो जाता। जो लोग बचे हैं वो लोग कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या? पता तो चलेगा यहां हुआ क्या। नहीं सर, सबके सब बहुत सीरियस है। चंद्रेश जी और सुनीता जी की हालत बहुत खराब है, लगता है बचेंगे नहीं। ओ बॉम्ब के बचे हुए टुकड़े फोरेंसिक लैब में भेजो और यहां से उंगलियों के निशान उठाने की कोशिश करो और देखो डेटोनेटर का बचा हुआ हिस्सा ढूंढने की कोशिश करो। डेटोनेटर को देख के पता चलेगा कि बॉम्ब बनाने वाला आदमी कितना अकलमंद है। अगर ये इतनी टाइट सिक्योरिटी के होते हुए भी नारियल के जितना बड़ा बॉम्ब लेके कोई इस कमरे में आया और चंद्रेश जी के मुंह के पास लगा दिया, कमाल है। कैसे हुआ होगा ये सब? बॉम्ब कमरे में आया कैसे? सर यहां से तो एक मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता, आदमी तो छोड़िए। क्या मतलब है मच्छर भी नहीं जा सकता? हाँ, अंदर जो फटा वो क्या दिवाली का फटाका था? था तो वो बॉम्ब ही सर, लेकिन आप हमारी सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। वही देखने आया हूं मैं। ये मेटल डिटेक्टर है, आपकी जेब में एक गन है सर। हाँ है। यहां से निकलने के बाद एक बार फिर से चेकिंग की जाती है। ठीक है, ये एक्सरे मशीन है, इसमें आपका पेन, फोर्सेप, गन सब साफ दिखाई दे रहा है। यहां पे कोई अनजान आदमी चंद्रेश से मिलने आया था कभी? नहीं, यहां पे सिर्फ 5 ही लोग आते थे, एक सुनीता जी, चंद्रेश जी की वाइफ, उनका पीए कृष्णकांत, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय। और कोई नहीं आया इन 5 के अलावा? नहीं सर। तुम में से कोई अंदर गया था कभी? सर जब हम लोग ड्यूटी पर आए थे 20 दिन पहले, तब हम लोगों ने सब जगह चेक किया था, बाद में हम लोग वहां नहीं गए। और तुम? मैं? हाँ आप। मैं तो इन लोगों के साथ ही गया था। और उसके बाद? उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ वो कुछ 4 दिन पहले गया था उस कमरे के अंदर। 4 दिन पहले? चार दिन पहले? ये क्या है? एक कॉकरोच? कॉकरोच यहां पे क्या कर रहा है?
बहुत दूर से आया है। उधर जा रहा है। कमरे के अंदर जा रहा है। क्या हुआ सर? कॉकरोच। कॉकरोच? हाँ, ये देखो एक कॉकरोच इस रास्ते से आया है। ये देखो, देखो बाथरूम से आया है। ये देखो यहां एक और भी पड़ा है। सुधाकर जरा कॉकरोच दिखाना तो। ये कॉकरोच भी यहां से आया है। ये यहां से चलना शुरू हुआ और बाहर कॉरिडोर तक गया। मैंने तो सुना है कि कॉकरोच एटम बम से भी नहीं मरते। तो फिर बाहर कमरे में एक छोटे से ब्लास्ट से यहां बाथरूम में कॉकरोच कैसे मर सकता है? हाँ सर, ये तो है। दया सर, इस ड्रेन पाइप का ढक्कन खोल के इसे अंदर से अच्छी तरह से चेक करो। ये कॉकरोच यहीं से आया है। ओके सर। मुझे लगता है ये कॉकरोच ही हमारा गवाह है, मेन विटनेस। इस कॉकरोच को फोरेंसिक लैब में भेज दो, डॉक्टर वागले के पास। अगर सर डॉक्टर वागले का तो ट्रांसफर हो गया है। व्हाट? ट्रांसफर? मेरे से बिना पूछे ट्रांसफर? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। और दूसरा कौन आया वहां? डॉक्टर अंजलिका देशमुख है सर। डॉक्टर अंजलिका देशमुख दिल्ली से? जी हाँ सर। हे भगवान, वो यहाँ क्यों आ गई? Poison. हेलो डॉक्टर अंजलिका। गुड आफ्टरनून एसीपी साहब। डॉक्टर अंजलिका, आप अचानक कैसे चली आई यहाँ पे? मैं यहाँ अचानक नहीं आई हूँ सर, मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। मैं चाहती थी कि यहाँ आकर उस आदमी के साथ काम करूं जिसने मेरे पति को मारा है। नो नो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने आपके पति को नहीं मारा है। वो एक पुलिस ऑफिसर था और मेरे साथ काम कर रहा था, मैं क्यों उसे गोली मारूंगा? नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि आपने ही उन्हें मारा है। डॉक्टर अंजलिका, वो हमारा और गुंडों का एक एनकाउंटर था और दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी और गुंडों की एक गोली आपके पति को लग गई। और सर, गोली उन्हें पीठ में लगी थी, छाती में नहीं। गोली पीछे से आई थी, वहां से जहां आप खड़े थे, और वो मर गए। पर सर, मरे हुए लोग झूठ नहीं बोलते। डेड पीपल डू नॉट लाई, दे ऑलवेज टेल द ट्रूथ। हमेशा सच। देखिए, हम इस कॉकरोच के बारे में जानने आए हैं। ये भी मर चुका है, क्या पता ये सच बोल दे। ये हमारा एक ही गवाह है, बाकी लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत बुरी हालत में हैं, बोल नहीं सकते। आपके पास कम से कम एक गवाह तो है, मेरे पास तो। देखिए कॉकरोच, प्लीज। कॉकरोच, ये कॉकरोच बॉम्ब के फटने से नहीं मरा है, ये कॉकरोच जहर से मरा है, गन पाउडर और एसिड के जहर से। हेलो
कॉकरोच की एक टांग का ये क्लोजअप देखिए आप सर, ये देख रहे हैं, ये जहर है, जहर इसकी टांग से होकर उसके शरीर में गया है और जितना जहर इसकी टांग में दिखाई दे रहा है उससे ऐसा लगता है कि करीब 7 दिन से उसके शरीर में ये जहर जा रहा था। 7 दिन से? जी हाँ सर, ये देखिए इसकी टांग का निचला हिस्सा जला हुआ है एसिड से। सर कॉकरोच इतनी आसानी से मरने वाला जानवर नहीं है। बाथरूम के ड्रेन पाइप में जहां ये फंसा होगा वहां 7 दिन से कोई लगातार एसिड डाल रहा होगा। ये बॉम्ब जो यहां फटा है वो कहीं बाहर से नहीं आया, किसी ने ये बॉम्ब यहीं बनाया है, यहीं बाथरूम में। हाँ सर, कोई यहाँ 7 दिन तक लगातार बॉम्ब बनाता रहा है, उसने हाथ वाथ धोए होंगे, बचा हुआ एसिड यहाँ डाल दिया होगा, वो जहर कॉकरोच के अंदर गया। एसी भी प्रद्युमन यहाँ? ओह नो, बहुत बुरा हुआ, और वो भी, ओह माय गॉड, ठीक है मैं आता हूं। चंद्रेश जी तो गए, अभी अभी मौत हो गई उनकी, और उनकी पत्नी सुनीता का हाल भी खराब है, वो हमसे मिलना चाहती है। डॉक्टर कह रहा था कि उन्हें मालूम है कि बॉम्ब किसने लगाया है। सुनीता जी आपको कुछ कहना है? सुनीता जी बताइए प्लीज। कृष्णकांत की पीए। चंद्रेश जी का पीए कृष्णकांत, उसने किया है बॉम्ब ब्लास्ट। उसने पैसे लिए थे। पैसे लिए उसने आप लोगों से? मैंने देखा है। क्या क्या देखा है? क्या क्या करते हुए देखा है सुनीता जी? उसे हाँ सुनीता जी बताइए। कृष्णकांत, सुनीता जी की भी मौत हो गई है, वो जाते जाते तुम्हारा ही नाम लेके गई है कि बॉम्ब तुमने बनाया। मैंने? सिर्फ मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? ये आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, चोट लग गई। दोनों हाथों में? बॉम्ब बनाते वक्त केसेट से हाथ तो नहीं जल गए तुम्हारे? हाथ दिखाओ जरा। अरे सर चोट लगी है। सुधाकर हाथ खोलो इनके। अरे एक मिनट। सुनीता जी ने तुम्हें देखा है कुछ बनाते हुए? सर पता नहीं वो क्या बकवास कर रही थी। बकवास कर रही थी? 25 लाख रुपए लिए थे ना तुमने चंद्रेश जी से? जी हाँ। वो पैसे वापस किए? नहीं, हाथ जले हुए हैं सर। बॉम्ब बनाया है? सर मैं चाय बना रहा था, गरम गरम बर्तन उठाया तो मेरे दोनों हाथ जल गए। पिछले 7 दिनों में कितनी बार हॉस्पिटल में गए? 7 दिन? सर मैं तो पिछले 10 दिनों से बीमार हूँ और यही घर पर हूँ। 10 दिनों से घर पे हो? जी हाँ, और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप सिक्योरिटी इंचार्ज से पूछ सकते हैं। और एक बात बताइए सर, अगर सिक्योरिटी मिली हुई नहीं है तो बॉम्ब अंदर कैसे चला गया? ये क्या कह रहे हो? जी हाँ सर, सर ये सिक्योरिटी इंचार्ज को सब मालूम है। हम लोग चंद्रेश जी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हो गया है पोस्टमार्टम? नहीं, अब होगा। पता नहीं सर ये कृष्णकांत मेरा नाम क्यों ले रहा है, मुझे कभी ये आदमी ठीक नहीं लगा। उसने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? पता नहीं, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम वहां अंदर गए थे या नहीं, तो तुमने कहा कि तुम 4 दिन पहले गए थे। हाँ। हो सकता है कि बॉम्ब तुम ही लेके गए हो। ये क्या कह रहे हैं सर आप? आई एम पुलिस ऑफिसर, जरा सोच तो ले कुछ कहने से पहले। कल मैं भी आप पे ये इल्जाम लगा सकता हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये है क्या? चला हुआ चेहरा है,
और बाहर निकली हुई आंख है। वो तो है, पर उसके अलावा और भी कुछ है। कुछ है कील जैसी लगती है। ये इंजेक्शन की नीडल है, सुई। ये बॉम्ब में से ही आई है। बॉम्ब में से? तो किसी ने सुई काट काट के बॉम्ब में भरी है। हाँ, और भी हैं। पूरा चेहरा भरा हुआ है ये। सर, आपने सोच भी कैसे लिया कि एक पुलिस ऑफिसर ऐसा कर सकता है? तो फिर बॉम्ब अंदर गया कैसे? सिर्फ पांच ही लोग अंदर जाते थे। सर, हम बिना चेकिंग के एक भी चीज अंदर नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक कि हमने तो दवाई के बॉक्स तक नहीं छोड़े। जब भी डॉक्टर दवाई लेकर अंदर जाता था, हम दवाई के बॉक्स चेक करते थे। सॉरी सर। सर, अभिजीत का फोन। हाँ हाँ अभिजीत, चेहरे में इंजेक्शन की नीडल्स मिली है। सर, पोस्टमार्टम करते वक्त चंद्रेश जी के चेहरे में से इंजेक्शन की नीडल्स के टुकड़े मिले हैं। सर, इसका मतलब है बॉम्ब किसी ऐसे आदमी ने बनाया है जिसका इंजेक्शन से कुछ मतलब है। वो डॉक्टर, वो नर्स, वो दोनों हॉस्पिटल में ही है सर, पता नहीं बचेंगे भी कि नहीं। और वो वार्ड बॉय? वार्ड बॉय? वार्ड बॉय इंजेक्शन लेकर जाता था अंदर, मगर वो तो हॉस्पिटल में है। वो कल रात लौट के घर पे आ गया है। क्या, वार्ड बॉय घर पे आ गया? मैं क्यों मारूंगा चंद्रेश जी को? और मैं भी तो मरने वाला था बॉम्ब से। जैसे तुम्हें पता चला कि बॉम्ब फटने वाला है, तुम बाथरूम की तरफ भागे, इसीलिए बच गए। नहीं सर, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं तो दवाइयां और इंजेक्शन उठाता हूं, मेरा बॉम्ब से क्या लेना देना। सर, ये देखिए बॉम्ब बनाने का तरीका। ये कौन सा? रमेश, दो लोग मर चुके हैं, डॉक्टर और नर्स की हालत बहुत खराब है, वो लोग बचने वाले नहीं हैं। जहां चार मर गए वहां एक और मर गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, बोल, क्यों लगाया बॉम्ब? सर, मुझे बचाइए। अब मरने के लिए तैयार हो जा। बॉम्ब क्यों लगाया था? सर, नहीं सर, क्या कर रहे सर, आवाज आएगी सर, चुप चुप, मुझे मत मारना। बॉम्ब क्यों लगाया तूने? मैं बताऊंगा तो वो मुझे मार देगा। कौन वो? कौन है वो? वो बोलो। वो किसने बोला बॉम्ब लगाने के लिए? ये ड्रामा बंद कर। रमेश, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।